दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एमपी एएनएम और एचएनएम की वैकेंसी के बारे में। ये वैकेंसी लगभग 6 महीने पहले निकाली गई थी और हाल ही के दिनों में मतलब कि 14 जुलाई तक इसके फॉर्म के करेक्शन चलते रहे, लेकिन यहाँ पर समस्या ये आ रही है कि अभी इसके 30 तारीख को इसके एग्जाम की डेट आ चुकी है, 30 जुलाई को इसका एग्जाम है, लेकिन कुछ लोगों के यहाँ पर एडमिट कार्ड नहीं निकल रहे हैं और कुछ लोगों के एडमिट कार्ड निकल रहे हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ पूरी डिटेल्स कि यहाँ पर कुछ लोगों के एडमिट कार्ड क्यों नहीं निकल रहे हैं और यहाँ पर क्या अब आपको करना चाहिए, क्या कैसे क्या प्रोसेस, पूरी डिटेल्स आज की इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ एमपी एएनएम और एचएनएम के बारे में। तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं रानू स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे और आपके इस यूट्यूब चैनल स्मार्ट टेक में। हर बार की तरह इस बार भी अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं यहाँ पर ऑनलाइन फॉर्म्स और एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों यहाँ पर सबसे बड़ा मुद्दा, यहाँ पर बहुत से लगभग 50% स्टूडेंटों के साथ ये आ रहा है कि जिन जिन स्टूडेंटों ने एमपी एएनएम और एचएनएम के लिए अप्लाई किया था या फिर किसी अदर रिक्वायरमेंट के लिए अप्लाई किया था तो उनके एडमिट कार्ड नहीं निकल रहे। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि आपको 19 जुलाई के समथिंग यहाँ पर एक मैसेज आया होगा, स्क्रीन पर आपको वो मैसेज दिख रहा होगा। यहाँ पर क्लियर तौर पर लिखा गया है कि यहाँ पर 14 जुलाई तक आपके फॉर्म का करेक्शन किया जाएगा। अगर आपके फॉर्म में किसी भी तरह की गलती है तो चेक कर ले। यहाँ पर एक लिंक भी दी गई है, अगर आप एडिटिंग करना चाहते तो कर सकते थे, लेकिन अभी फिलहाल के दिन में इस लिंक से आप एडिटिंग नहीं कर सकोगे। तो यहाँ पर समस्या ये आ रही है कि जिन जिन लोगों को ये मैसेज आया था उन लोगों ने एडिटिंग करनी थी, अपने फॉर्म में करेक्शन करना था, लेकिन उन छात्रों ने अपने फॉर्म का करेक्शन नहीं किया, जिस वजह से इसके एडमिट कार्ड अब वो डाउनलोड करने तो नहीं हो रहे हैं। और हाल ही के दिनों में 30 तारीख को इसका एग्जाम है, तो ऐसे में सभी विद्यार्थी परेशान हैं और इसका एडमिट कार्ड नहीं निकल रहा है। अब ऐसे में आप लोग सोचोगे सर मुझे तो एडमिट कार्ड की लिंक ही पता नहीं, कहाँ से एडमिट कार्ड निकलना है और क्या कैसी है प्रोसेस। तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक लिंक दे दी है, उस लिंक पर आप क्लिक कीजिएगा, क्योंकि अगर आप गूगल पर उस लिंक को ढूंढोगे तो शायद आपको ना मिले, इसलिए मैंने डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दी है। तो आप वहां पर क्लिक कीजिए, उस लिंक पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको देखने के लिए मिलेगा। वहां पर देखिए थोड़ा सा नीचे की तरफ जाइए तो यहां पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा जहां से आप चेक कर सकते थे कि आप एजिबिल्ड हो फॉर्म के लिए कि नहीं हो, और इसी लिंक पर आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की लिंक भी मिल जाती है। तो यहाँ से आप अपना एडमिट कार्ड चेक करना चाहो तो कर सकते हो। सिंपली आपको यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद यहाँ पर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है। अगर यहाँ पर सर्च रिजल्ट फाउंड बताता तो समझ लीजिए आपका एडमिट कार्ड नहीं आया है, आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट कर दिया गया है। यहाँ पर मैंने रिजेक्ट का प्रोसेस तो आपको समझा ही दिया, क्योंकि यहाँ पर 19 तारीख को लगभग 50% छात्रों के मोबाइल में एक SMS आया था, जो भी आपने फॉर्म भरते वक्त मोबाइल नंबर दिया था उसी मोबाइल नंबर पर मैसेज आया था, और उस मैसेज में लिखा था कि आपको करेक्शन करना है अपने फॉर्म का, लेकिन बहुत से छात्रों ने इस मैसेज पर ध्यान ही नहीं दिया और अपने फॉर्म का करेक्शन नहीं कर सके, जिस वजह से उनका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट कर दिया गया सही समय पर करेक्शन ना होने के कारण। तो यहाँ पर उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको समझ आ चुका होगा कि यहाँ पर जितने भी एमपी एएनएम एचएनएम के विद्यार्थी हैं, छात्र हैं, उनका एडमिट कार्ड क्यों नहीं आ रहा। अब यहाँ पर सवाल आता है कि आखिर हमारे पास ऐसा कौन सा तरीका बचता है कि हम अपना एडमिट कार्ड निकाल सकें। तो यहाँ पर दोस्तों जैसे ही आप एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की लिंक पर जाते हो तो ऊपर की तरफ आपको कुछ हेल्पलाइन नंबर और एक ईमेल आईडी दिखती है। तो यहाँ पर जितनी भी हेल्पलाइन नंबर दिए गए हैं, आप किसी भी हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करोगे तो ये स्विच ऑफ बताएगा फ़ोन, और यहाँ पर फ़ोन नहीं लगने वाला। तो इसीलिए इन नंबरों पर ट्राई करना तो बेकार है। यहाँ पर एक ईमेल आईडी दी गई, अब आपके पास लास्ट ऑप्शन यही ईमेल आईडी बचती है। तो यहाँ पर इस ईमेल आईडी पर ज़्यादा से ज़्यादा छात्र अगर इस ईमेल आईडी से कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करते हो और यहाँ पर पूरी डिटेल्स बताते हो, अपनी पूरी प्रॉब्लम बताते हो, पूरी मार्कशीट अटैच करने के बाद, फॉर्म अटैच करने के बाद इन्हें सेंड करते हो, तो हो सकता है ये आपके एडमिट कार्ड को रिलीज कर दें। तो यहाँ पर आपका काम बन सकता है। अब यहाँ पर आपके पास आखिरी ऑप्शन यही है कि ईमेल आईडी का सही इस्तेमाल करें, यहाँ पर एक अच्छा सा मेल लिखें और इनको भेजें और कहें कि भाई मेरी जो डिटेल्स है वो पूर्णतः सही है, तो यहाँ पर मेरा एडमिट कार्ड रिलीज करने की कृपा करें। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कमेंट करना ना भूलें, साथ ही साथ दिए गए इंस्टाग्राम आईडी पर भी फॉलो करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।